हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता की वीडियोस। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की रेसिपी। तो भिंडी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। और अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी ली है, 4 से 6 मिर्च लिए हैं हरी। और सबसे पहले मैंने ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया था, ये देखिए ऑयल हीट कर गया है। तो मैंने तड़का भी लगा दिया है जीरे से। और यहाँ पर मैंने भिंडी को इस तरह से फ्राई कर लेना है अच्छे से। अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत थोड़ी सी हल्दी और बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। और इसी के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी मैं चम्मच को अच्छे से यहाँ पर चला देती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ये देखिए इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं 1 से 2 चम्मच यहाँ पर पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पानी ऐड करने से क्या होगा ना कि जब मैं मिर्च इसमें पिसी हुई ऐड करूँगी तो मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसको इस तरह से मैंने चला दिया है पानी। अब मैं इसमें और ज़्यादा नहीं ऐड करने वाली हूँ। और अभी 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं इसे पकने में, तो मैंने यहाँ पर फ्लेम भी स्लो ही कर दिया है। और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए भिंडी हमारी रेडी हो गई है। और यहीं पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज वाली भिंडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मसालों का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सेम वही प्रोसेस है, बस प्याज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज पक गया है। तो अब मैंने भिंडी भी इसमें ऐड कर दी है और उसी तरह सेम 4 से 5 मिनट तक भिंडी को पकाना है, ये देखिए इस तरीके से चलाते हुए स्लो फ्लेम रखनी है। और अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सारे मसाले ऐड करने के बाद चम्मच को अच्छे से चला देना है ताकि हल्दी, नमक और धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ पकने के लिए, बिकॉज़ मैंने ऑयल जो है बहुत ही कम लगाया हुआ था। और अगर आप चाहें तो आप पानी को स्किप भी कर सकते हैं, आप ऑयल लगा सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कम ऑयल में पका रही हूँ। और अभी भिंडी जो है पककर रेडी हो गई है, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।